पर हम ऑन करते हैं और डालते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर देखो गाइस, कल पूरे दिन लाइन कट रहा और आपके लिए हम वीडियो नहीं बना पाए, तो हमने सोचा कि यार ऐसे लाइन कटेगा तो वीडियो हम कैसे बनाएंगे, तो यार कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए क्योंकि हमारे पास तो जुगाड़ के भंडार है आप तो जानते हैं। तो मुझे एक आइडिया है कि क्यों ना हम DC से AC में कन्वर्ट करने के लिए एक किट मंगाया जाए, जो कि हमने अमेजन खोला और उस पर हमने जब देखा तो ओ भाई साहब इतना रेट बता रहा है कि मुझे तो उतना पैसा ही नहीं है खरीदने का, तो मैंने सोचा कुछ जुगाड़ लगाया जाए। तो हमने एक कबाड़े वाला ही गया और कबाड़े वाला ही से लाया एक वाटर पंप, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना है और ख़राब भी है, तो वो बिगे हुए था। तो हमने सोचा कि भैया ये हमें 50 रुपये में दे दीजिए, आप भी जाइएगा कबाड़ी दुकान में और वहाँ आपको इजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर ले लिया है, जो कि थोड़ा बड़ा साइज का लगा तो थोड़ा बेटर है। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं DC to AC कन्वर्टर, जी हाँ गाइस, जिससे आपके घर में लाइन बिजली घंटों तक कट रहेगा, आप उससे बैटरी चार्ज, मोबाइल चार्ज सब कर सकते हो और लाइट बार कर पढ़ भी सकते हो। तो यार बहुत ही आज की इस वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव बनवा रहा है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लेना है हमें, यहाँ पर वुड ले लेना है, जो कि सारा जो सिस्टम होगा हम इस वुड पर लगाएंगे और करेंगे। तो चलिए फटाफट, उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे एक मोटर, जो कि 555 मोटर है, जो कि काफ़ी हाई RPM वाला मोटर है, फिर तो आपको इसे ले लेना है। और सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस पोर्शन को निकाल लेना, आपको इंटरनल भाग दिखाते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या होता है, फिर ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको बीच में रड निकलेगा और यहाँ से इस कवर को निकाल लेना। और यहाँ पर सिर्फ हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको हमें इसमें नहीं बल्कि हमें ये जो यहाँ पर होल दिख रहा है और इस मोटर को साफ दिख रहा है, इसमें हमें अटैच कर देना है। और अगर आपको ढीला हो तो यहाँ पर थोड़ा टेप वगैरह से टाइट कर दीजिएगा, नहीं तो आपका RPM थोड़ा कम हो जाएगा, मोटर ज़्यादा घूमेगा पता चलेगा ये कम घूमेगा। तो चलिए इसे हम सबसे पहले इसमें फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम एडजस्ट करेंगे, तो काफ़ी तागड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा से इसमें असेंबल हो गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजली नच रहा। और यहाँ पर इस मोटर को हम फिक्स करते हैं किस चीज़ से, तो ग्लू गम के हेल्प से, ताकि बढ़िया रहे और काफ़ी समय तक टिके। फिर चलिए सबसे पहले इसे हम अच्छे प्रकार से साट लेते हैं यहाँ पर ग्लू गम के हेल्प से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ ये दो पोर्शन उठा हुआ है और ये दो बैठा हुआ, तो इसे हमें लेवल में करने के लिए हम PVC का सीट का यूज करें। तो फिर से यहाँ पर देख सकते हैं हमने कट कर लिया है और ये दोनों को फिर से हम यहाँ पर अच्छे प्रकार से एडजस्ट करेंगे और ग्लू गम के हेल्प से हम साट लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए हमें इस पोर्शन को साट लेना है। तो फ्रेंड्स ये तो फिक्स हो गया अच्छे प्रकार से, यहाँ पर देख सकते हैं सट गया, हिलने की कोई बात नहीं। अब बात रही इसकी, तो फाइनली गाइस यहाँ पर इक्वल करने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं लेवल में लाने के लिए यहाँ पर एक जुगाड़ मिल गया, जो कि सबसे पहले हम इसे निकालते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हम इस सीट का यूज करेंगे और यहाँ पर ये जो PVC का टुकड़ा है यहाँ पर हम ए यूज करेंगे और यहाँ पर अच्छे प्रकार से एडजस्ट करेंगे, हमने लगा दिया। और चलिए यहाँ पर करते हैं फिक्स, ताकि अच्छा लेवल में आ जाए और यहाँ पर हो सकता। तो यहाँ पर हम मोटर को नचा कर देखेंगे कि अच्छा से रोटेट कर रहा है या नहीं। हाँ तो फ्रेंड्स इतना हाइट पर अच्छा से रोटेट कर रहा है, चलिए इसे फिक्स कर लेते हैं ग्लू गम के हेल्प से। अच्छे से साट लिया इसे, अब उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, अब इसे हमें लाइन कैसे निकलेगा और लाइन लेंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं एक आपको बोर्ड बना लेना है इस तरीके से PVC पाइप में, और यहाँ पर हो सके तो आपको खरीद कर जो आता है मार्केट में 30-40 रुपये का इजीली मिल जाता है, तो आपको खरीद लेना था, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, तो चलिए इसका ही यूज कर। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं हमने वायर को जोड़ लिया, पर देख सकते हैं ताकि फंस जाए और यहाँ पर स्टेबल हो जाए, ताकि हिले नहीं अगर प्लग वगैरह इसमें हम खोसे भी तो। और इसे वायर को यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करके सभी को हमें फिक्स कर लेना है और उसके बाद आपका व्यू दिखाते हैं। मैंने कहा यहाँ पर जो हमारा जो जनरेटर यानी AC क्रेन जो सप्लाई करने वाला यहाँ पर डिवाइस वो बंद कर रेडी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने किस प्रकार से बनाया है। और यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया फ्रेंड, जो कि आपको हमने नहीं दिखाया, तो फ्रेंड्स ये इजी प्रोसेस है। और इसे हमने वाटर पंप के जो वहाँ से पानी आउटपुट निकलता है उसी में हमने यहाँ पर लगा दिया इजीली, जो कि यहाँ पर आप व्यू देख सकते हैं। तो इसे तो पूरा व्यू दिखाने लायक ये नहीं है, उतना डेकोरेट हमने किए हैं, बस इससे हमें काम में आ जाना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया फ्रेंड, जो कि प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो बैटरी था 12 वोल्ट के वो शॉर्ट हो गया फ्रेंड।
इसी कारण मुझे दिक्कत हो रहा है कि मैं कैसे करूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास बैटरी होगा तो इसमें कहीं भी आप सेट कर लीजिएगा, लेकिन अभी हम आपको 12 वोल्ट के एडाप्टर से हम ऑन करके इसे दिखाएंगे, क्योंकि अभी जो मेरा बैटरी था वो थोड़ा ख़राब हो गया शॉर्ट सर्किट से, और मुझे वीडियो बनाकर देना क्योंकि हमने 2 दिन बीच कर दिया, वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम 12 वोल्ट के एडाप्टर ले लेते हैं। ओके, हमने एडाप्टर ले लिया और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी स्पार्क वाला है। सकते हैं इस जनरेटर का, एक तरह से जनरेटर नहीं आप इसे बोल सकते हैं, जो कि उसमें पेट्रोल और डीजल डालना पड़ता है, इसमें आपको 12 वोल्ट डालना पड़ेगा और एसी डायरेक्ट देगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 वायर है फ्रेंड्स, इसमें आपको बैटरी जोड़ देना अगर आपके पास 12 वोल्ट का बैटरी है इस मोटर को नचाने के लिए। तो और यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट हम एडाप्टर को यहाँ पर जोड़ देते हैं, स्विच लगाया है जो कि वो भाई साहब यहाँ पर टिपते ही ऑन हो जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें देखना है कि क्या इसमें करंट आ रहा है या नहीं, तो यहाँ पर चेक करने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं एक एडाप्टर लिए और देख सकते हैं कहीं से कोई भी फेक यानी वायर वगैरह नहीं जुड़ा हुआ है, आप यहाँ पर इजीली आप देख सकते हो ना। और चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें हमें डालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑन कर दिया है और यहाँ पर आपको डालते हैं। ओ भाई साहब देख सकते हैं लाइन आ गया है और यहाँ पर देखिए निकालते हैं बुझ जा रहा है, और यहाँ पर देखिए या नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक 9 वाट का बल्ब हमने ले लिया है और इसे भी हम देखते हैं जला कर क्या ये मेरा जनरेटर जलाता है, और अगर अच्छा से जल जाएगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए ओ भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं फिर किस प्रकार से LED बल्ब जल रहा है, काफ़ी अच्छा तागड़ा लाइट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फेस चमक रहा होगा आपको, और यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए, और यहाँ पर देख सकते हैं इस मोटर के हेल्प से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हम बल्ब को निकालते हैं मोटर का आवाज़ थोड़ा चेंज हो जाता है ना। और यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम कि मेरे पास अभी बैटरी था जो डेड हो गया, थोड़ा ख़राब हो गया, शॉर्ट सर्किट लग गया है, तो हम दूसरा चेंज लेंगे तो बैटरी तो आपको दिखाएंगे फिर से एक नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये मेरा जनरेटर बना, अगर आप इसका वोल्टेज देखना चाहते हो तो वो भी हम आपको दिखा। तो चलिए पर हम ऑन करते हैं और डालते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं यानी 200 से ऊपर की ओर वोल्ट यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर अच्छा से चेक नहीं पा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 205 वोल्ट तक चल जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ तो काफ़ी अच्छा वोल्टेज ये निकाल दे रहा है फ्रेंड्स, है ना। बल्ब वगैरह भी जल जा रहा है, मोबाइल का चार्जर भी तो पक्का जलेगा, क्योंकि जब यहाँ पर ये ग्लो कर रहा है ये एडाप्टर तो कैसा लगा ये हमारा ये जो जनरेटर है यानी DC to AC कन्वर्टर। अगर आइडिया जरा से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।